नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक डॉग को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस डॉग का नाम शान था। इसके अमरावती पुलिस कमिश्नरेट के बम खोजी एवं निष्क्रिय दस्ते VDDS में शान की ड्यूटी रहती थी। वह 7 साल से VDDS टीम का हिस्सा था। 1 साल बाद शान रिटायर होने वाला था, मगर बीते कुछ दिनों से शान की तबीयत खराब रहने लगी थी। मंगलवार को शान ने अंतिम सांस ली। बुधवार को राज के सम्मान के साथ उसे अंतिम विदाई भी दी गई। इस दौरान पुलिसकर्मी काफी भावुक नजर आए। दरअसल शान नाम का लैब्राडोर नस्ल का कुत्ता बीते 7 साल से अमरावती पुलिस कमिश्नरेट की BDDS टीम में तैनात था। वह अब तक कई ऑपरेशन में भी शामिल रहा था। 7 साल 6 महीने की उम्र का शान 1 साल बाद रिटायर भी होने वाला था। पशु चिकित्सक डॉक्टर ठोसरे ने बताया कि कुछ दिनों से शान की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मंगलवार सुबह उसे इलाज के लिए नागपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन तिवासा में ही शान की सांसें रुक गई। बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ शान को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी सहित कई पुलिसकर्मी भावुक हो गए। अंतिम विदाई के दौरान पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल, विक्रम साली, बम खोजी एवं निरोधक दस्ता टीम भी मौजूद रही। वहीं शान के हैंडलर पुलिसकर्मी संजय गावंडे इस दौरान काफी दुख नजर आ रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं काफी समय से शान का ख्याल रख भी रहे थे।